सो गाइस कल हम सभी लोगों को बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री में हमारे फ्री फायर के अंदर, क्योंकि गाइस कल है 14 अप्रैल और कल हमारे गेम के अंदर आने वाला है OB27 का अपडेट। और गाइस अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं और उसी के साथ में गाइस बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री में। आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, हम सभी लोगों को मिलेगा। और गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन सारे रिवॉर्ड्स के बारे में फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं कौन सा रिवॉर्ड आपको कहां पे किस तरीके से मिलेगा। और गाइस आप लोग सोच के देखो, अगर आपको अभी से इन सारे रिवॉर्ड्स के बारे में पता होगा तो आप लोग कल बहुत आसानी से जाकर रिवॉर्ड्स वगैरह ले सकते हो। मैं आप लोगों को जहां जहां बताऊंगा आप लोग उसे उसी तरीके से कल जाकर रिवॉर्ड्स वगैरह क्लेम कर लें। तो गाइस आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देख लेना। बट उससे पहले गाइस आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना। और गाइस मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर जो ड्रेकी पेट का गिवअवे चल रहा था उसका रिजल्ट आने वाला है आज रात को इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है जल्दी आकर फॉलो कर लो, यूजर नेम *gamers97 है, फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो, आपके लिए ही गिवअवे रखा है तो जल्दी आकर पार्टिसिपेट कर लो, आज ही उसका रिजल्ट आने वाला है। सिंपली आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवअवे का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आपको आ जाना है चले वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे के साइड में कमेंट का एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, सिंपली आपको अपना UID यहाँ पर कमेंट कर देना है तो आप लोग इस गिवअवे में पार्टिसिपेट हो जाओगे। और गाइस इसका रिजल्ट आने वाला है आज रात को मेरे इंस्टाग्राम पे, तो अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया जल्दी आकर फॉलो कर लो। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को टुमारो फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में फुल डिटेल के साथ में बताते हैं। तो गाइस देखो, अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये सब आपको अपडेट के बाद में करना है, मतलब गाइस कल पूरा दिन हमारा गेम मेंटेनेंस पे रहेगा। जैसे ही मेंटेनेंस वापस आएगा, जैसे अपडेट हो जाएगा, OB27 का अपडेट आ जाएगा, उसके बाद में आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आपको चले जाना है इवेंट वाले सेक्शन के अंदर में। यहाँ पे आने के बाद जो आप लोगों को लॉग इन रिवॉर्ड का सेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है। और गाइस यहाँ पे जो आप लोगों को वेपन रॉल वाउचर के साथ में और यहाँ पे डायमंड रॉल वाउचर मिल रहा है, सिंपली आप लोगों को यहाँ पे इन दोनों रिवॉर्ड्स को क्लेम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ है, लेकिन जब आप लोग अपडेट के बाद में यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा क्लेम का ऑप्शन। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करके इन दोनों रिवॉर्ड को क्लेम कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ये दोनों रिवॉर्ड मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। और गाइस सबसे पहले आप लोगों को इन्हीं दोनों रिवॉर्ड को क्लेम कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग क्लेम कर लो गाइस, मतलब अच्छा रिवॉर्ड है, दो रिवॉर्ड फ्री मिल रहे हैं, वेपन रॉल वाउचर डायमंड रॉल वाउचर आप लोग ले लेना। उसके बाद में गाइस आप लोग कहाँ पे जाना है मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको जाना है लक रॉयल के अंदर में। और यहाँ पे आपको क्या करना है आपको तो पता ही है, हमारा जो गोल्ड रॉयल है गाइस, यहाँ पे गोल्ड रॉयल के अंदर आने वाला है एक न्यू बंडल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टाइम यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ करीब यहाँ पे 37 घंटा और बचा हुआ है। और गाइस 37 घंटे के बाद में जो यहाँ पे मतलब हमारा गोल्ड रॉयल न्यू गोल्ड रॉयल आएगा, उसका न्यू मतलब गोल्ड रॉयल तो रहेगा ही बट उसका न्यू बंडल आ जाएगा, गोल्ड रॉयल के अंदर हमारा जो न्यू बंडल आ जाएगा। और गाइस बंडल कौन सा है आप लोग अगर जानना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर जो ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है बट हम आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो गाइस आप लोग देख रहे हो ये जो रेड कलर का बंडल है, इसका आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। और अगर ये नहीं आता है तो फीमेल का बंडल जरूर से आएगा, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये फीमेल का बंडल आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। इन दोनों बंडल के आने का बहुत ज़्यादा चांस है बट गाइस यहाँ पे 100% कन्फर्म, मतलब इसको एक तरीके से आप लोग 100% जो है कन्फर्म बोल सकते हो। बट गाइस देखो फ्री फायर है, कुछ भी कर सकते हो, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ चेंजेस करे बट गाइस मेरे हिसाब से इन्हीं दोनों में से कोई एक बंडल को देगा। बाकी आपको क्या लगता है कि ये रेड कलर का बंडल आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है हमारे गोल्ड रॉयल के अंदर में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, ठीक है। और गाइस गोल्ड रॉयल के यहाँ पे आप लोग स्पिन वगैरह करके इसको निकाल लोगे, जो हमारा गोल्ड रॉयल का रिवॉर्ड है आपको मिल जाएगा, जो हमारा बंडल है न्यू बंडल बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगा। और उसी के साथ में गाइस आप लोगों को आ जाना है उसके बाद में हमारे रिडीम वाले सेक्शन के अंदर में। जो हमारा रिडीम वाला सेक्शन है यहाँ पे आने के बाद में आप लोगों को चले जाना है FF टोकन के अंदर में, ठीक है। FF टोकन के एक्सचेंज पर अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो गाइस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बहुत सारे रिवॉर्ड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी हमको यहाँ पे फीमेल के बंडल वगैरह मिल रहे हैं। बट गाइस अपडेट के बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यू चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है, जैसे कि कोई न्यू बंडल हमको मिलेगा और न्यू मेल का या फिर फीमेल का या फिर कोई भी हमको यहाँ पे बंडल मिल सकता है, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है अपडेट के बाद में, यहाँ पे आने के बाद आपको चेक कर लेना है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड जरूर से हमको यहाँ पे न्यू मिल रहा होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे आने के बाद में अगर मेल का बंडल मिलेगा, मेल का कुछ यहाँ पे पार्ट वगैरह मिलेगा, मतलब मास्क या फिर टॉप पैंट कुछ मिलेगा तो काफ़ी अच्छा होगा। फीमेल का तो ज़्यादा बंदे यूज़ नहीं करते हैं बट गाइस मेल का बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बंदे यूज करते हैं, तो काफ़ी अच्छा होगा अगर हमको यहाँ पे मेल का कुछ दिया जाए। मतलब गाइस यहाँ पे अभी तो फीमेल का ही चल रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि अगली बार हमको मतलब अपडेट के बाद में हमको यहाँ पे मेल का बंडल दिया जाए, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा चांस है, देखते हैं गाइस क्या होता है। और यहाँ पे गाइस आप लोग आने के बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को न्यू देखने के लिए मिलेंगे, जो भी आप लोगों को लेना है आप लोग ले सकते हो। मतलब यहाँ पे बहुत सारे न्यू रिवॉर्ड्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को सारे रिवॉर्ड्स के बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ और ये बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे गाइस आप लोग क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद में गाइस आप लोग ऊपर के साइड में देख सकते हो जो हमारा रैंक टोकन है, मतलब नीचे है इसका, रैंक टोकन के एक्सचेंज पर भी आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे न्यू रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे कल, ठीक है। मतलब गाइस यहाँ पे देखो अपडेट के बाद में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे
चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे रिवॉर्ड्स में भी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो बंडल है मेरे हिसाब से इस बार जाने वाला है, मेरे हिसाब से जो यहाँ पे रेड कलर वाला हेयर स्टाइलिस्ट का ये जो बंडल है गाइस ये शायद मेरे हिसाब से जाने वाला है, ठीक है। मतलब 100% कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत दिनों से आया हुआ है तो हो सकता है ये बंडल चला जाए और इसके बदले में यहाँ पे और कुछ बंडल यहाँ पे हमको दे दिया जाए, ठीक है। बट गाइस ये कंफर्म नहीं है, मतलब हो सकता है कि ऐसा हो जाए, ठीक है। मतलब गाइस बहुत ज्यादा चांस है, देखते क्या होता है। और यहाँ पे इमोट भी हमको फ्री में मिला था एक बार, आपसे को पता है अपडेट के बाद में ये इमोट ऐड हुआ था। और उसी के साथ में यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएंगे, सिंपली आप लोगों को यहाँ से भी अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। और उसी के साथ में गाइस आप लोगों को आ जाना है उसके बाद में गिल्ड टोकन के स्टोर में। और गाइस गिल्ड टोकन के स्टोर में आने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डायमंड रॉयल वाउचर और यहाँ पे वेपन रॉयल वाउचर क्लेम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है आप लोगों को यहाँ पे गिल्ड टोकन के बदले मिलता है, मतलब गिल्ड टोकन आजकल किसके पास नहीं है, हर किसी के पास में गिल्ड टोकन होता ही होता है, तो आपके पास भी जरूर से होगा। तो आप लोग यहाँ पे ले लेना है, आपको यहाँ पे 5 या फिर 10 डायमंड रॉयल वाउचर वेपन रॉयल वाउचर मिल जाएंगे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे क्लेम कर लेना, आप लोगों को जितना ही मिलेगा आप लोग यहाँ पे एक्सचेंज कर लेना, ठीक है। और गाइस उसके बाद में आपको चले जाना है मैजिक क्यूब के स्टोर के अंदर में। और गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे भी आपको कोई पुराने बंडल्स वगैरह भी देखने के लिए मिल सकते हैं हमारे मैजिक क्यूब के स्टोर के अंदर में। मतलब गाइस मैजिक क्यूब के स्टोर पे बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे बंडल्स वगैरह मिलते थे जब हमको फ्री में मैजिक क्यूब वगैरह मिलता है तो तभी वो आते हैं, बट गाइस जैसे नॉर्मल टाइम में वो नहीं रहता, वो चले आता है, मतलब कोई भी यहाँ पे अच्छे बंडल्स नहीं, आप लोग देख सकते हो बेकार बेकार बंडल्स दिए हुए हैं डायमंड रॉयल के। बट गाइस जो बहुत पुराने पुराने बंडल हैं वो मतलब जोकर वाला बंडल और बहुत सारे बंडल ऐसे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को शायद देखने के लिए मिल सकता है अपडेट के बाद में, क्योंकि अपडेट के बाद में बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमको यहाँ पे मैजिक क्यूब के स्टोर पे बहुत सारे न्यू बंडल देखने के लिए मिले, तो हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे मैजिक क्यूब के स्टोर पे कोई न्यू बंडल देखने के लिए मिले, ठीक है। मतलब हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है इसका, बट देखते गाइस क्या होता है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना गेस करके। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ और यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है, बट गाइस आप लोगों को और एक बात बताता हूँ, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि कल से जो हमारा गेम है मतलब कल 9:30 बजे के आसपास से हमारा जो गेम है वो मेंटेनेंस में चला जाएगा, मतलब गेम हमारा बंद हो जाएगा, गेम आप लोग खेल नहीं पाओगे, कोई भी बंदा किसी भी सर्वर का बंदा गेम नहीं खेल पाया क्योंकि वहाँ पर क्या होगा गेम हमारा मेंटेनेंस में चला जाएगा, जितने भी वहाँ पर अपडेट्स वगैरह होंगे मतलब जितने भी न्यू मैप या फिर जो भी न्यू चीज़ें कैरेक्टर का एबिलिटी वगैरह चेंज मतलब सब कुछ होने वाला है कल पूरा दिन, ठीक है, 9:30 बजे से लेकर 5:30 या फिर 4:30 बजे तक मतलब होने वाला है। और गाइस ये सुबह के टाइम पे होने वाला है, मतलब सुबह के 9:30 बजे के आसपास से हमारा गेम बंद हो जाएगा, मेंटेनेंस पे चला जाएगा और शाम के 4 या फिर 5 बजे के आसपास हमारा गेम फिर से वापस आ जाएगा। प्ले स्टोर के अंदर जो अपडेट आएगा आप लोगों को सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पे, जाके अपडेट करना है फ्री फायर को। जैसे आप लोग अपडेट करोगे करीब 200 या फिर 300 या फिर 400-500 MB का भी हो सकता है, तो आप लोगों को जितना भी MB का है वहां पे आप लोगों को उसका अपडेट मारना है, ठीक है, अपडेट आप लोग करना है और उसके लिए आप लोग MB बचा के रखना, क्योंकि MB नहीं होगा तो आप लोग अपडेट नहीं कर पाओगे, आप लोग गेम नहीं खेल पाओगे उस दिन, तो आप लोग MB बचा के रखना। और जैसे आप लोग अपडेट कर दोगे उसके बाद में आप लोगों को चले जाना है गेम ओपन करना है और आप लोगों को गाइस बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे हमारे गेम के अंदर, मतलब क्रोनो का एबिलिटी गाइस मतलब यूजलेस हो गया, आप लोग उसको और यूज नहीं कर पाओगे, मतलब इतना बेकार हो गया कि पूछो ही, मतलब आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लें, आपको पता चल जाएगा मैंने कल के वीडियो के अंदर सब कुछ बता दिया है। और जो हमारा ऊकोंग कैरेक्टर है उसका तो एबिलिटी वाह क्या किया है, मतलब पूछो ही मत, ठीक है, आप लोगों को अपडेट के बाद में सब कुछ पता चल जाएगा क्या हुआ है। और बाकी इसमें आप लोगों को कल के टुमारो फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में सब कुछ फुल डिटेल के साथ बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हो जाना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।